الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मैं साउथ पुणे हीरा ग्रुप इन्वेस्टर्स मेंबर्स एसोसिएशन पुणे की एक्शन कमेटी का प्रेसिडेंट होने के हैसियत से ये वीडियो मातृभूमि टीवी की जानिब से बना रहा हूँ। अब मैं ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद, मैंने शहबाज खान ने फिर एक नई वीडियो डाली जिसमें वो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट से ऑर्डर आ चुका है कि इनकी प्रॉपर्टीज सारी बेच के कंप्लेनेंट्स में बांट दी जाएगी। सबसे बड़ा झूठ ये यही बोल रहा है। हक का पैसा लेना कोई जुर्म है, गुनाह है क्या? ये लोग मेरे बारे में सारे के सारे इतने अभियोशीनान माँ बहन पे इस पे उस पे, मैं किसी की माँ बहन पे नहीं जा रहा हूँ ना, मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या लेकिन सिचुएशन थी, शहबाज भाई मेरी बात सुनो, आप अपना बोलो। जी बोलिए। हाँ, मेरी ऐसी सिचुएशन थी, ऐसी परिस्थिति में आ गया था, काम नंदा नहीं, कुछ भी नहीं, मैं क्या करता, मुझे बताओ। मेरे ऊपर लोगों के कर्जे आ चुके थे, मैं कर्जों में डूब चुका था। लेकिन सऊद भाई, आपका पैसा लेना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन आप तमाम इन्वेस्टर्स को धोखा दिए वो बड़ा जुर्म है ना। कयामत के दिन आपको जवाब देना है। बोला कि आप लोग भी अपना, और सुनो दूसरी बात, हाँ मैं धोखे की जो आप बात कर रहे हो, देखो मैं एक तंजीम से जुड़ा हुआ था पुणे के। नहीं नहीं वो जहाँ आप किससे भी देखो भाई, आप मेरी बात सुनिए, आप कोई भी तंजीम से जुड़े हुए थे होंगे। आप मेरी बात सुनिए पहले, कि आप कोई भी तंजीम से जुड़े, लेकिन आप लोगों को ये बोले कंप्लेंट मत करो, आप आने बहुत पैसा है, आप आएंगी, आप आ देंगी, आज क्या हुआ बताइए, आप बोलो, आप अब बोलिए, अब आप हेलो हेलो। हाँ बोलिए बोलिए भाई, आप आएंगी देंगी, कंप्लेंट मत करो, बोले ना भाई लोगों को। आप क्यों बोले लोगों को, आपका पैसा निकाल लेना था, लेकिन ये जो लोगों को पैसा नहीं मिलेगा वो लोग कुरान लेके जानी मजा लेके हथौड़ा मार के बदमाया दे रहे ना आपको, आप बोलो भाई। सुनो सुनो शहबाज भाई, हमारा एक मिनट, मैं एक बात बोलता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो देखो, मैं जो भी बात कर रहा था एसोसिएशन के बिहाफ पे कर रहा था। नहीं गलत, आप जो बोले वो गलत था, नहीं था ये बोलिए आप मेरे को। अब मेरी एसोसिएशन इन्वेस्टर्स के हक के लिए बात नहीं कर रही है, मैं क्या करता मुझे आप बताओ। नहीं, आज मुझे बताओ मेरे बारे में इतनी गैर गलत बात। हेलो हेलो जी, देखो सऊद भाई, अब मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे एक मिनट, मेरा हो सकता है लोगों का मुझसे इख्तलाफ होगा कि शिनान और ये दूसरे लोग दो चार जन और है, गंदी गंदी गालियां माँ बहनों पे बातें, गलत है यार शहबाज भाई। लेकिन सऊद भाई आप समझ रहे हैं, आप अपनी गलती को मान ही नहीं रहे, आप लोगों को धोखा दिया। मैं मान रहा हूँ गलती को, मैं गलती को मान रहा हूँ, और क्या बोलूँ मैं। आप वीडियो आप एक वीडियो बना के बोल दो, आप एक वीडियो बना लो, बना के बोलो कि मेरे को सुनो, आपको पता है मेरी पुणे की एसोसिएशन में जब तक बच्चे ने बात समझ में आई मुझे भी बहुत देर हो चुकी थी, मैं ऑन पेपर कुछ भी नहीं था, जीरो। लेकिन आप लोगों को ये बोले क्या, मैं गलत बोला, नहीं पुणे एसोसिएशन के बात में आके झूठ बोला, कंप्लेंट मत करो, मेरे से गलती हो गई। नहीं बोला मैंने, मैं इस बात का तारीफ कर रहा था कि उसको नहीरा शेख मैडम को एक मौका मिलना चाहिए। तो मौका मिला ना, क्या हुआ, नॉन कंप्लेनेंट के पैसे डूब गए। तो ये मैंने ये नहीं बोला, मैंने देखो भी आज जो हो रहा है मैं उस चीज को फेवर नहीं कर रहा हूँ, उसको मेरा स्टैंड इतना कि इनको एक मौका, एक चांस मिलना चाहिए। अच्छा क्या हुआ, आप चांस दिलाए ना, अब नॉन कंप्लेनेंट रंग के पैसे डूब गए ना, अब आप क्या बोलना चाह रहे हैं इस पे आप। और मैंने मेरी एसोसिएशन से ये बात करी कि आप लोग पब्लिक की हक में, अवाम उन्नास के हक में उनसे बात कीजिए, जो भी मामले को क्लियर कीजिए, लोग बहुत तो फिर आप बोलो ना सऊद भाई, वीडियो बना के आप वीडियो बना के बोल दो ना भाई, फिर आप
आप नहीं बोले तो ना, मैंने सारी बातें क्लियर करी है। नहीं आप ये बात नहीं बोले ना कि कंप्लेंट करने वाले फायदे में रहे, नॉन कंप्लेंट पूरे डुबेबल के, ऐसा बोले आप। बहरहाल आपकी मर्जी भाई, कयामत के दिन जवाब देना है, अल्लाह के पास सबको जवाब देना है। गुनहगार आप भी बन गए ना, नौहेरा शख जितनी जिम्मेदार है आप भी उतने जिम्मेदार हैं।